हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, मैं आपको क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चों का मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि जी जो पीपीसी है उससे केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है वो कैसे होता है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के ऊपर कंपलसरी है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है आना ही आना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो कराया था वो कराया था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट अर्थव्यवस्था जो होती है, जैसे भाई पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है वो कैसे किया जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है और यहाँ वो विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अंदर था। अब हमें करना है कि पीपीसी जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें कुछ और लिखना है, इसमें कुछ और लिखना है, इसमें ग्राफ है, उसमें ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना जरूरी है और इसकी एक्सप्लेनेशन के क्या लिखना है भाई उसके अंदर, वो आपको जो है अच्छे से समझना है इस वीडियो के अंदर। मैं आपको शुरू से क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, तीनों की तीनों समस्याओं को बताऊंगा कि ये पीपीसी से जो है कैसे सॉल्व होती है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो पीपीसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई पीपीसी आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी अजम्पशंस हैं, क्या मतलब मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्यों, कैसा इसकी शेप होती है, क्या क्या सब कुछ पीपीसी के रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और केंद्रीय समस्याएं तो पता ही होनी चाहिए। तो जब से सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी वो है जी क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये पीपीसी कैसे सॉल्व करता है। देखो ये जो प्रॉब्लम है, एक इस चीज की प्रॉब्लम है कि भाई किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करने की समस्या है, ये कि भाई किन वस्तुओं का उत्पादन करना और कितनी मात्रा में करना चाहिए उसको, ये प्रॉब्लम है ये। अब पीपीसी इसको कैसे सॉल्व करेगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर जो है ये हो गई एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जीरो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है मैं दो तरीके की वस्तुएं ले रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं ले रहा हूं जी यहां पर सैनिक वस्तुएं, ठीक है, और यहां पे मैं ले रहा हूं आपके लिए असैनिक वस्तुएं। अब पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी बनता है कुछ इस तरीके का, चल जा भाई क्यों परेशान कर रहा है बच्चों को, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खोलकर अपना जो है पूरा का पूरा फोकस यहीं पर रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, तीन तरीके की पॉइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं पीपीसी के अंदर, कुछ होते हैं पीपीसी के बाहर और कुछ होते हैं पीपीसी के ऊपर। तीनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। जो पीपीसी के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, संसाधनों का पूरा यूटिलाइज, हम पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो पीपीसी के ऊपर होते हैं उसका मतलब होता है संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, और जो बाहर होते हैं संसाधनों का विकास हो रहा है। और मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था पीपीसी के ऊपर काम नहीं करती है, क्योंकि पीपीसी के ऊपर काम करने का क्या मतलब है, पीपीसी के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, मतलब देश के अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी है ही नहीं, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी देश के अंदर बेरोजगारी हो ही ना। तो कोई भी अर्थव्यवस्था कभी भी पीपीसी पे तो भाई काम करती नहीं है, वो हमेशा पीपीसी के अंदर काम करती है, ये बात आपको सबसे पहले तो ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब मैंने दो तरीके की वस्तुएं ली है, सैनिक वस्तुएं लाइक ये कह सकते हो गोला बम बारूद ऐसी चीजें, ठीक है, और असैनिक वस्तुएं इसको छोड़कर। अब अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मान लीजिए वॉर इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो उसको कौन सी वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है, सैनिक वस्तुओं की या असैनिक वस्तुओं की, भाई सिंपल सी बात है, जब वॉर इश्यू वगैरह चल रहे हैं तो उसको सैनिक वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है। तो आप खुद बताइए वो सैनिक वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करेगी या असैनिक का,
भाई सिंपल सी बात है, सैनिक का करेगी जब वॉर इशू कर रहे हैं तो वो कहाँ पर उत्पादन करेगी भाई? जब वॉर इश्यूज चल रहे हैं तो वो उत्पादन करेगी इधर। अब आप क्या हो गए जी, इधर ही की उत्पादन करेगी। इधर उत्पादन इसलिए करेगी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहां पर आप देखो सैनिक वस्तुओं का कितना उत्पादन हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 4, ठीक है, और असैनिक का कितना हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये देखिए, यहां से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आ गया 1। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो संयोग है, यहाँ पे सैनिक वस्तुएं कितनी हो रही है 4 और असैनिक कितनी हो रही है 1। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है वॉर इश्यूज वगैरह का। अगर वॉर इश्यूज वगैरह हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे नियर, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैं पीपीसी के ऊपर पॉइंट नहीं लिया, ये मैंने ये इस पे पॉइंट नहीं लिया, मैं यहाँ पे भी तो बना सकता था ना, लेकिन मैं यहाँ पे तो बनाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बना दिया मतलब संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, लेकिन संसाधनों का पूर्ण उपयोग तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर वॉर इश्यूज वगैरह चल रहे हैं तो जो अर्थव्यवस्था है ना वो नियर बाय एक्स एक्सिस के जो है उत्पादन करेगी, ठीक है। अब आ जाओ अगर वॉर इश्यूज नहीं चल रहे तो भैया मेरे को सैनिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है, तो मैं कहाँ पे उत्पादन करूंगा, तो मैं उत्पादन करूंगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। क्यों? अगर मैं इस पॉइंट पर उत्पादन करूंगा तो देखो, अब उल्टी कंडीशन ले लीजिए, इसको यहाँ पर ले लीजिए और इसको यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं सैनिक वस्तुओं का कितना कर रहा हूँ 1 और असैनिक का कितना कर रहा हूँ, ये आ गई 4। अब ये देखिए भाई, जब वॉर इश्यूज नहीं चल रहे हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला नॉट वॉर इश्यू लिख लो, ठीक है, नॉट वॉर इश्यूज। भाई जब वॉर इश्यूज वगैरह नहीं चल रहे हैं तो मुझे सैनिक वस्तुओं की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, युद्ध वगैरह नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे आप युद्ध, ठीक है, युद्ध लिख लो, कहीं आप वॉर सोचो क्या हो रहा है, युद्ध और ये युद्ध नहीं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। भाई जब युद्ध चल रहा है तो मुझे सैनिक वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है, और जब युद्ध नहीं चल रहा तो मुझे असैनिक वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है। तो जब युद्ध नहीं चल रहा तो अर्थव्यवस्था कहाँ पे, नियर बाय वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के नियर बाय जो है उत्पादन करेगी, और जब वॉर इश्यूज चल रहा है, युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था जो है यहाँ एक्स एक्सिस के नियर बाय उत्पादन करेगी। तो सबसे पहले तो ये पहली दिक्कत थी कि जी क्या उत्पादन किया जाए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मे भी आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, 8 मिनट मैंने खराब करें इसमें, तो आपको ये अच्छे से समझ आ ही गई होगी। दूसरा है जी कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। अब ये भी बहुत आसान है, इसको समझना है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीपीसी जो है भाई किस असम्पशन पे बना हुआ है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई संसाधनों का पूरा यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का फुल्ली यूटिलाइज, टेक्नोलॉजी अनचेंज, ये सारी जो है इस पे जो है पीपीसी जो है बना हुआ है इस असम्पशन पे, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं, संसाधनों का फुल्ली यूटिलाइजेशन इस वाली पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखो पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी बनता है ऐसे, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान दो, मैंने क्या बताया, जो इसके ऊपर पॉइंट होते हैं इन इन तीनों में कि पीपीसी इसको कैसे सॉल्व करता है, इन तीनों में जो इनके पॉइंट है ना, पॉइंट की जो सिग्निफिकेंस है, भाई कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, बस उसी का खेल है इसके अंदर सारा। अब आप ये जो मैंने क्या बताया, जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कि संसाधनों का और टेक्नोलॉजी का दोनों का हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था पीपीसी के ऊपर तो काम करती नहीं है। अब मैं तीन तरीके के पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पर, और एक पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पर। मैंने तीन तरीके के पॉइंट लिए हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी, ठीक है, तीन पॉइंट लिए मैंने, ए बी सी। कैसे उत्पादन किया जाए, कि जो समस्या है वो क्या समस्या है, वो तकनीक की समस्या है, तकनीकी में चुनाव की समस्या है, कि हमें भाई किस तकनीक का सिलेक्शन करना चाहिए। अब आपको पता ही है तकनीक जो है वो दो तरीके की होती है भाई, एक होती है श्रम प्रदान और एक होती है पूंजी प्रदान। श्रम प्रदान का क्या मतलब होता है, कि भाई लेबर का ज्यादा यूज करना है इन एज कम्पेरिजन टू कैपिटल, पैसा नहीं लगाना, मशीन वगैरह का इतना यूज हमें नहीं करना। और दूसरी होती है पूंजी प्रदान, उसका क्या मतलब होता है, कि भाई मशीन वगैरह का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम लेबर का कम यूज कर रहे हैं, ह्यूमन पावर का, मानव शक्ति का कम यूज करते हैं पूंजी प्रदान के अंदर, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, जो पॉइंट जितना उत्पादन संभावना वक्र के जितना नियर बाय होता है, जो पॉइंट उत्पादन संभावना वक्र के जितने पास होता है ना, उसका मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा अच्छी है,
क्यों? क्योंकि भाई ये इस पे जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तकनीक का और संसाधनों का दोनों को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ थोड़ी सी तो पीछे है। हाँ पूरा पीपीसी पर नहीं है बट उसके नियर बाय तो है, आसपास तो है। तो जितने भी पॉइंट उत्पादन संभावना वक्र के आसपास होते हैं उसका मतलब है यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पर हमारी जो तकनीक है उसका हम अच्छा खासा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर ये जो बी पॉइंट है ये क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो थोड़ी सी दूर है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई ठीक है लेकिन और थोड़ी सुधार करने की जरूरत है, मतलब और नई नई टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं और नियर बाय कहां पर आ सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के आ सकते हैं। यहां पर क्या है ये कह सकते हो कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करने की हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम और उत्पादन संभावना वक्र के और पास आ सके। और जो ये वाला पॉइंट है ये तो भाई इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो तकनीक है ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो तकनीक है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, नई नई तकनीक का यूज कीजिए, जो नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो नई नई मशीनें वगैरह आ रही हैं, उसका यूज करिए ताकि आप यहां से जो है ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो सके। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो पॉइंट जितना उत्पादन संभावना वक्र के पास होता है उसका ये मतलब है कि वहां पर हम जो तकनीक, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वहां पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और जो जितना दूर होता है उत्पादन संभावना वक्र से वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर हमारी जो तकनीक है ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है, यूजलेस है, हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, नई टेक्निक, नई मशीनें, नई इक्विपमेंट का हमें करने की जरूरत है ताकि हम अपना उत्पादन अच्छे से चीपेस्ट कॉस्ट पर कर सके, ठीक है। ये थी दूसरी दिक्कत, कैसे उत्पादन किया जाए। मे बी आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इसमें समझना है मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जहां पे मन करे वहां पर आप जो है इसको मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लास्ट है जी वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप सिंपल से जानते हो, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, सीधा हिंदी शब्द में अगर मैं आपको बताऊं ये दिक्कत है कि भाई धनी लोगों के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, एक धनी और एक निर्धन। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि जो धनी यूज करता है वो निर्धन यूज नहीं करता और जो निर्धन यूज करता है वो धनी यूज नहीं करता है। दोनों के जो कंजप्शन के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी ये उपभोग करते हैं, जो भी ये वस्तुएं उपभोग करते हैं, दोनों के दोनों वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं। तो उत्पादक के सामने ये दिक्कत है कि भाई मैं किसके लिए उत्पादन करूं, धनी के लिए करूं या निर्धन के लिए करूं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक पीपीसी ड्रॉ करा है, ठीक है, और मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं अनिवार्य वस्तुएं। क्या ले रहा हूं मैं? अनिवार्य वस्तुएं। और आप सभी जानते हैं कि अनिवार्य वस्तुएं जो है वो क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। अनिवार्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके बिना गुजारा नहीं है, चाहे इनकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये ले रहा हूं, ये मान लीजिए लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स विलासिता की वस्तुएं कहते हैं इसको, ठीक है, विलासिता वस्तुएं। अब ये क्या है जी, मतलब इनके बिना गुजारा चल जाएगा, हो या ना हो ठीक है, इसको लग्जरी गुड्स कहते हैं। इनके बिना गुजारा चल जाएगा, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अर्थव्यवस्था को ना अपनी कंडीशन देखते हुए यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अनिवार्य वस्तु की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत इंडिया के मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमारी हालात कैसी है, हमारे हालात क्या लग्जरी गुड्स वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे हालात लग्जरी गुड्स वाले नहीं है, हमारे जो हालात हैं वो अनिवार्य वस्तुएं वाले हैं। हमें जो जरूरत है वो अनिवार्य वस्तुओं की है कि भाई जो भी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मोस्टली लोगों की जो जरूरतमंद की चीजें हैं ना उनकी प्रोडक्शन करना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं कहाँ पे उत्पादन करूंगा? वाई एक्सिस के नियर बाय। क्यों? क्योंकि मेरी अर्थव्यवस्था की कंडीशन ही ऐसी है। तो यहाँ पर मैं जो है बड़े ध्यान से देखिएगा, अनिवार्य वस्तुओं की कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ? चार, जबकि लग्जरी गुड्स की कितनी कर रहा हूँ? केवल एक।
तो आपको अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंगली, आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि ये धनी के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन के लिए। भाई ये कौन यूज करता है, ये तो धनी यूज करता है ना, सिंपल सी बात है, लग्जरी गुड्स। अब अगर मेरी अर्थव्यवस्था की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो मैं, अगर सही है तो भाई मैं क्या करूंगा, तो मैं ज्यादा लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करूंगा, विलासिता वाली वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूँ तो ये मैं यहाँ पर आ गया और ये इस पॉइंट को ले लीजिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लग्जरी गुड्स की कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ 4 और अनिवार्य वस्तु की कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ 1। यहाँ पर मैं किसको इग्नोर मार रहा हूँ, यहाँ पर मैं निर्धन लोगों को इग्नोर मार रहा हूँ। किसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, निर्धन लोगों को, क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन मेरी अच्छी है अर्थव्यवस्था की, मेरे को लग्जरी गुड्स करने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं किसको इग्नोर मार रहा हूँ, यहाँ पर मैं धनी को इग्नोर मार रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी अर्थव्यवस्था की कंडीशन ही ऐसी है कि निर्धन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अनिवार्य वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेरिजन टू लग्जरी गुड, विलासिता वस्तुओं की अपेक्षा, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे को विलासिता वस्तुएं की प्रोडक्शन करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेरिजन टू नेसेसरी गुड्स, ठीक है। तो ये जो तीनों, ये है पीपीसी, तीनों में देख लो मैंने क्या क्या फिगर बनाई है, कहाँ पे कौन सी वस्तु दी है और कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मे बी आपको ये तीनों की तीनों दिक्कत, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, इसको पीपीसी कैसे सॉल्व करता है। और बार बार बोल रहा हूं, वो जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो पीपीसी से बोले तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है, अगर वो बोले विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कैसे सॉल्व होता है लाइक पूंजीवाद, समाजवाद, किसी का भी पूछ रहे तो आपको वो लिखना है, और उसमें क्या लिखना है वो भी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा यार, ताकि जो दिक्कत, जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है, वो दिक्कत, वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है सॉल्व हो जाए। बस इतना काम कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा बस। और अगर 18 मिनट मेरे लिए खराब कर ही लिए हैं तो यार 1 मिनट खराब करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी भी लगी है, कैसी भी लगी है यार, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि कितनी ऊपर से जा रहा है बस। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।